तो गाइस फाइनली आप सभी का वेट इंतजार खत्म हो चुका है और इंडिया ने अपना प्लेइंग 15 का स्क्वाड आज अनाउंस कर दिया है। तो यार मुझे ये स्क्वाड है जो पर्सनली कैसा लगा ये आपको मैं रिव्यू देना चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। जो आपने ओपनर सेलेक्ट किए हैं वो हैं यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, जो मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट हैं क्योंकि आपके पास ये दो चॉइस थी। क्योंकि एक खिलाड़ी जो कि 150-170 की स्टैंडर्ड से खेल सकता है और दूसरा खिलाड़ी जो 180-200 की स्टैंडर्ड से खेल सकता है। साथ ही में थर्ड ओपनर है विराट कोहली जो कि फर्स्ट राउंड खेलेंगे जो मुझे लगता है, क्योंकि वो खिलाड़ी को आप एज ए ओपनर भी उतार सकते हैं अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसे एज ए थर्ड राउंड रखेंगे। देन उसके बाद सूर्य कुमार यादव को जो टीम इंडिया ने रखा है यार वो इसलिए रखा है कि नंबर चार पर आए खिलाड़ी और मारधार शुरू कर देगा, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी हमारी टीम में उतने नहीं हैं कि हर कोई खिलाड़ी 200-250 के स्ट्राइक से खेल सकता है। देन उसके बाद सीएम दुबे को मौका मिला है और रिंकू सिंह जो खिलाड़ी तुम्हारी एकदम लिस्ट में टॉप में मुझे नज़र आ रहा था उसे टीम में मौका नहीं मिला है, उनकी जगह पर मौका मिला है अक्षर पटेल को। अब मुझे एक बात बताइए, जब अक्षर पटेल ने खेलना ही नहीं है क्योंकि वो एज ए ऑलराउंडर हैं टीम में, तो एज ए ऑलराउंडर उनको मौका मिलना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है अगर रविंद्र जडेजा टीम में खेल रहे हैं। क्योंकि यार देखो अगर रविंद्र जडेजा टीम में खेल रहे हैं तो आपके पास 7 या 8 नंबर तक बैटिंग होगी, उसके बाद 9वें नंबर पर आप अक्षर पटेल को बैटिंग के लिए लाएंगे इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। क्योंकि यार 9वें नंबर पर अगर अक्षर जैसा बल्लेबाज बैटिंग करने आएगा तो उसका खुद जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा। इट्स बीन कि आपको अक्षर को अगर खिलाना है तो आपको 5 या 6 नंबर पर उनको एज ए बैट्समैन यूज़ करना होगा। तो इस हिसाब से आपके पास रिंकू सिंह परफेक्ट चॉइस है, आपने वो सिलेक्ट नहीं किया, ये मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि एक मुझे जो चॉइस गलत लगी वो मुझे रिंकू सिंह वाली चॉइस बिल्कुल गलत लगी, बाकी मुझे टीम जो लगा था कि सिलेक्ट होगी वही टीम सिलेक्ट हुई है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो हार्दिक पांड्या यार इनके अलावा कोई और ऑलराउंडर इंडिया के पास है नहीं। भले हार्दिक पांड्या का भी हालिया फॉर्म बहुत ही घटिया है, मतलब इतना घटिया है कि यार मैं बता नहीं सकता हूँ। बॉलिंग देखो आप, क्योंकि ऑलराउंडर होता है उसका मतलब है कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों, यार बॉलिंग में तो एकदम रील निकाल रही सबने हार्दिक पांड्या की, बैटिंग भी वही लुंजू पुंजू वाली बैटिंग चल रही है। और ऑलराउंडर का मतलब क्या होता है? देखो ऑलराउंडर का मतलब होता है वो T20 में कि एक ऐसा खिलाड़ी जो तुम्हें 2 या 3 ओवर निकाल के दे दे और आते ही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिमांड 200 या 250 के स्ट्राइक रेट से रन मार के चले जाए। जैसे कि 10 ओवर में फिनिश करना है, लास्ट के 10 बॉल बचे हैं तो 10 बॉलों में 25-20 रन मार के चले जाए, उस टाइप के ऑलराउंडर इंडिया के पास नहीं है। अगर आप दूसरी टीम को लेंगे, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो लास्ट में आके अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और एक बात याद रखना BCCI कि वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट देने वाला रूल नहीं आने वाला, जो तुमने यहाँ IPL में रख के बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है। इससे क्या होता है कि टीम का जो एक एटमॉस्फेयर है, मींस कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके जो मेंटेलिटी है, उनकी मेंटेलिटी क्या है, यार मैं अगर आउट हो भी जाऊँगा तो एक इम्पैक्ट प्लेयर मेरी टीम में आ सकता है खेलने के लिए, ये मेंटेलिटी कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग के 1-2 मैचों में देखने को भी मिल सकती है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग को असर करता है कि यार यहाँ मेरे पास अभी एक खिलाड़ी और है जो बाद में आके मेरी कमी पूरी कर सकता है अगर मैं रन ना बना पाऊँ, तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं होगी इंटरनेशनल में। तो आपको ऐसे ऑलराउंडर्स चाहिए होते हैं वो इंडिया के पास नहीं है, तो इसलिए हार्दिक पांड्या को मौका मिलना था। बट एज ए वाइस कैप्टन ये हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से हार्दिक पांड्या इंडियन T20 टीम को लीड कर रहे हैं उस वैसे, नहीं तो T20 के इस वर्ल्ड कप के लिए मेरे पास दो परफेक्ट चॉइस थी वर्ल्ड वाइस कैप्टन के लिए, एक जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत। इन दोनों में से आप किसको चूज़ कर सकते हैं? हार्दिक पांड्या को चूज़ करना मेरे समझ से परे है क्योंकि उनकी कप्तानी इस बार के IPL में भी उतनी अच्छी नहीं रही है। अच्छी क्या, बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। उसके बाद सेकेंड ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, वो भी एक मुझे पर्सनली ODI ऑलराउंडर लगते हैं, बट इंडिया के पास ऑलराउंडर है ही नहीं T20 के लिए, ये इंडिया के एक बहुत बड़े कमी है। इतना बड़ा खिलाड़ियों का पुल होने के बाद इंडिया में इंडिया ऐसा ऑलराउंडर तैयार नहीं कर पाता जो T20 खेल सके। देखिए रविंद्र जडेजा वो वनडे वाले और टेस्ट वाले ऑलराउंडर हैं, वनडे में आपको 100 की स्टैंडर्ड से रन मार के दे सकते हैं, लेकिन T20 में क्या रविंद्र जडेजा आपको 150 या 200 की स्टैंडर्ड से रन मार सकते हैं विन अंडर प्रेशर? मुझे नहीं लगता। लेकिन ये इंडिया की मजबूरी है कि इंडिया को ऐसे ऑलराउंडर लेके जाने पड़ रहा है। उसके बाद अक्षर पटेल, जिनका सिलेक्शन मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा था। देखिए क्योंकि सिमिलरिटी है, अक्षर और जडेजा एक ही सिमिलर उसके खिलाड़ी हैं, उनका जो खेलने का टेम्परामेंट है वो सेम है दोनों का, तो उस लहजे से रविंद्र जडेजा विथ एक्सपीरियंस आपको एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं और उनका इसलिए सिलेक्शन होना आगे था।
बट साथ हमने अक्षर पटेल को इंक्लूड किया है, तो क्या आप अक्षर पटेल को खिलाएंगे? देखो यार, मुझे नहीं लगता कि अक्षर पटेल ने टीम में खेलना है, कोई लॉजिक बनता ही नहीं अक्षर पटेल का टीम में खेलने का। हाँ, वो तभी हो सकता है जब आप रविंद्र जडेजा को बाहर कर दें और अक्षर को अंदर लें। तो मेरे हिसाब से रिंकू सिंह को ना खिलाना, टीम में शामिल ना करना, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है टीम इंडिया का। क्योंकि रिंकू सिंह भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको 200 या 250 की स्पीड से रन मार के लास्ट में आपके लिए मैच फिनिश कर सकता था। वो आपने बहुत बड़ा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है खो दी है, और इतने दिन लगा दिए टीम अनाउंस करने के लिए, और लास्ट में ऐसी टीम दी है जो पहले से प्रेडिक्टेबल है कि ये टीम सेलेक्ट होने वाली है। हालांकि मुझे जो लगा था पर्सनली वो ये था कि अक्षर ना होके रिंकू सिंह होंगे टीम में, ये मुझे रियली पर्सनली लगा था। लेकिन जब मैंने टीम देखी तो मुझे इसी चीज़ का थोड़ा सा यार मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि रिंकू सिंह को मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है अभी इंडिया में जो मतलब अभी इस टीम में सेलेक्ट ना हुआ हो जो 200-250 की स्ट्राइक रेट से खेलता हो, एज अ मैं कहूँगा पावर हिटर, नो वन। और आपने उस खिलाड़ी को सेलेक्ट नहीं किया, ये मेरे समझ से परे है। क्योंकि आप उनको चाहें, देखो श्योम दुबे भी मार सकते हैं 200-250 की रन रेट से, बट आप उनको ऐसे टॉप ऑफ द ऑर्डर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर वो खिलाड़ी उतनी तेज़ी से नहीं खेलेगा, उसका काम भी नहीं खेलना, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। साथ में यार कुलदीप और चहल दोनों को अच्छा बाय किया, क्योंकि दोनों अच्छे स्पिनर हैं, बहुत इससे पहले वर्ल्ड कप में इंडिया ने गलतियाँ की थी उन पर, ये स्पिनर्स को चूज़ करने में इस बार इंडिया ने सही फैसला लिया। उसके बाद पेसर्स, वो भी पहले से प्रेडिक्टेबल थे कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह साथ में हर्षदीप सिंह खेलेंगे, क्योंकि इंडिया ने कोई बॉलर फिर से वही बात 2 सालों में तैयार नहीं किया है। आज इंडिया ये चीज़ सोचता है कि क्या हम, देखो 2 साल से इंडिया ने अपने सीनियर खिलाड़ी नहीं खिलाए, क्यों? ताकि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर सकें। बट एट द एंड क्या हुआ, आपको टीम जो सिलेक्ट करनी थी आपको पता ही नहीं कि हमारे पास पेसर्स कौन कौन है, आपको वही जो पेसर्स आपके खेल रहे हैं पहले से वही आपको खिलाने पड़े। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया ने ड्रॉबैक किया है, तो ये चीज़ इंडिया को देखनी चाहिए थी। अब इंडिया वाले फिर से ही बोलेंगे कि अगले साल हम फिर से तैयारी करके आएंगे, तो उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो टीम इंडिया की टीम है, ये जो इनके पास सोर्स था टीम को सेट करने का, वो यार इसी लेवल का था, इससे ज़्यादा नहीं था। एक ही यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए, वो है रिंकू सिंह का टीम में ना खेलना। अब बहुत से लोग ये एजेंडा चलाएंगे कि हार्दिक पांड्या टीम में क्यों है, भाई होना ही है, क्योंकि इंडिया के पास कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो हार्दिक पांड्या की तरह खेलता हो। भले हार्दिक पांड्या का फॉर्म ख़राब है, बट क्या ऐसा ऑलराउंडर टीम में है? कोई नहीं है। तो अल्टीमेटली हार्दिक पांड्या को भी पता है, उसको पता है कि मेरे अलावा कोई नहीं है टीम इंडिया में, तो मुझे तो उन्होंने खिलाना ही है, मैं चाहे कुछ भी करूं। तो ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी। इतना बड़ा देश है, आप ऐसे खिलाड़ी को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कमी है। तो गाइस, पर्सनली मुझे स्कॉट ठीक ठाक लगा, कोई इतना अच्छा नहीं लगा है। आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।